नमस्कार दोस्तों, सीआईडी एकेडमी में फिर आपका एक बार स्वागत है। और आज हमारा एक नया टॉपिक रीजनिंग का, वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्द संरचना होता क्या है, इसको देखें। विशेष नियमों के आधार पर दिए गए शब्दों के अक्षरों की सहायता से अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण वर्ड फाउंडेशन, वर्ड फॉर्मेशन या शब्द संरचना कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी आ जाती है, शब्द संरचना में क्या है। हमें थोड़ा सा वकैब का नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास वकैब अच्छे से कलेक्शन है तो इस चैप्टर को आसानी से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आती है, स्पेशली इसमें टू टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखिए, ज्यादातर एग्जाम में उससे ही रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं, बट कुछ और भी अनदर क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम सभी देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन की कंडीशन बनती है, एक दिया हुआ वर्ड होता है, स्पेशली जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है उसमें इस तरीके से कुछ बनेगा, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में दिया जाता है दिए गए शब्दों से कौन सा बनाया जा सकता है। दूसरा आपकी कंडीशन होती है दिए गए शब्दों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको और इजी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का हम उठाते हैं, वो देखिए हमारे पास वर्ड दिया गया है आपका डेडिकेट। डीडी केट जो स्पेलिंग दी हो उस स्पेलिंग को ही लिखना होगा हमें। इसमें DEDICATE, जब भी इस तरीके का कोई भी प्रश्न दिया होता है तो विदाउट विकल्प हम नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन आपको चाहिए ही चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब हमारे पास दिए गए ऑप्शंस होंगे ए बी सी और डी के रूप में। हमारे पास ए ऑप्शन पे दिया गया है डी ई सी आई डी ई। दूसरा विकल्प हमारे पास दिया गया है डी ई एम ए एन डी। नेक्स्ट विकल्प है हमारा डी ई आर आई डी ई। नेक्स्ट है आपका डी ई डी यू सी ई। इस तरीके हमारे पास वर्ड दिए होंगे, यहां पे हमें इनके अर्थ से कोई लेना देना नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, जो भी वर्ड जितनी बार आया होगा उसका हम उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं, कम बार प्रयोग करते हैं लेकिन अधिक बार नहीं कर सकते। यानी अगर यहां हम देखें तो डी दो बार आया हुआ है, हम डी का दो बार ही प्रयोग कर सकते हैं, तीन बार नहीं कर सकते हैं और एक बार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि दो बार करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला विकल्प है डी दिया है, ई दिया है, सी दिया है, आई हमारे पास दिया है, डी फिर से आया है, डी हमारे पास दिया हुआ है, ई आया हुआ है, ई आया है, यानी ये हमारा विकल्प राइट हो जाएगा।
तो अदर ऑप्शन हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमारा आंसर पहले विकल्प पे सही हो चुका होगा। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स्ट्रा आ चुका है और यहाँ पे देखें तो यू एक्स्ट्रा आ चुका है, और इसमें अगर हम देखें तो डबल ई आ चुका है जबकि हमारे पास सिंगल ई का सॉरी डबल ई का प्रयोग है। यहाँ पे डबल ई हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे आर एक्स्ट्रा आ चुका है, यानी ये हमारे विकल्प नहीं होंगे, एग्जाम में आप टेली नहीं करेंगे। अब इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे आपके नोटबुक में, आप लोग तो प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम पैटर्न पे आप इसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, जेसीसी के विपरीत कंडीशन क्या होगी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी मीनिंग का कोई आपको जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित करना, समर्पित करना, ठीक है। यहाँ पे हमें इससे अर्थ से अभी कुछ नहीं लेना देना है, बट अभी आगे इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर टू पे हमारे पास है बनाया नहीं जा सकता है, यानी हमारा फर्स्ट टाइप का आपने क्वेश्चन देखा। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है BLE NDING दिया गया है आपका ब्लेंडिंग वर्ड प्रयोग किया गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया वर्ड BLE ND। सेकेंड ऑप्शन पे दिया गया है आपका BALD। थर्ड ऑप्शन पे आपका दिया गया है LE ND। एंड फोर्थ ऑप्शन पे आपका दिया गया है BIENGE। अब हमको यहाँ पे क्या है, शब्द बनाया नहीं जा सकता है, इसका हमें ध्यान देना है। नहीं कंडीशन चाहिए, यानी ऊपर दिए गए अक्षरों में कौन सा ऐसा अक्षर देखेंगे ऑप्शन पे आया हुआ है जिसका आपका प्रयोग ऊपर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका वर्ड ए आया हुआ है जिसका प्रयोग ऊपर नहीं किया गया, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो वहां पे आ सकते हैं, तो हमें आंसर फाइंड करना है, हम आंसर को फाइंड कर देते हैं। और हमें यहाँ पे किसी भी तरीके की मीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बट अगर अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है सम्मिश्रण। ओके नेक्स्ट हमने आपने देखा ये टू टाइप क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, नहीं और बनाया जा सकता है। अब अदर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट कंडीशन आपकी दी गई है, एक वर्ड दिया हुआ आपका कंटामिनेट वर्ड CONTAMINATE। अब इस तरीके का एक कोई भी वर्ड बना दिया जाएगा और इसके कुछ स्पेशल वर्डों को कहा जाएगा, उनको बाएं से या दाएं से अलग कर दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि उन शब्दों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के आपके क्वेश्चन दिया जाता है। तो अब इसमें कहा गया दिए गए शब्दों में चौथा छठा नौवां ग्यारहवां, चौथा छठा नौवां और ग्यारहवां अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब हम पहले देखें चौथा वर्ड हमारे पास टी है, फिर इसके बाद हमारे पास छठा वर्ड जो है वो एम है, और फिर नवा वर्ड है हमारा आपका ए है, और ग्यारहवा वर्ड है हमारा ई। इन वर्डों से कहा गया कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा, आप इसको नोट डाउन करके नोट कर लें। मैंने अल्फाबेट में आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के रूप में बताया था, वहां पे आपको फर्स्ट पार्ट में AEI और सेकंड पार्ट में OU स्वर के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए जब भी इस तरीके का अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए बोला जाता है
तो अगर फर्स्ट पार्ट के जितने आपके यहाँ पे वॉवेल्स दिए जाते हैं स्वर अगर उतने हैं तो उतने अर्थपूर्ण शब्द जरूर बनेंगे। यही कंडीशन सेकंड में भी अप्लाई होती है, और अगर दोनों को मिक्सअप कर देता है यानी मिक्स कर देता है तो उससे अधिक शब्द बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप इससे आंसर को गेस करके लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपका दिया हुआ वर्ड होगा उस वर्ड में कंडीशन दिया जाता है, कंडीशन कहा जाता है। यदि आपका एक वर्ड बनता है तो उसका कोई अक्षर पूछ लेता है, और अगर एक से अधिक बनते हैं तो उसमें कंडीशन देगा आपका वाई एक्स के रूप में आंसर दीजिए, और अगर कोई नहीं बनता तो वाई के रूप में आंसर दीजिए। तो जब हमारे इस तरीके की कंडीशन दी है तो हम क्वेश्चन पेपर पे आंसर को अपने गेस कर सकते हैं और वो हमारा 100% राइट होने के चांसेस होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारे पास देखिए स्वर के रूप में ए आया हुआ और ई आया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द 100% बनना निश्चित है। अब देखें वो वर्ड्स कौन कौन से बन सकते हैं, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कौन से अर्थ बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने इजली टीम के बारे में सुना होगा, और आपने मीट के बारे में सुना होगा, और आपने मेट के बारे में सुना होगा, और आपने टेम के बारे में सुना होगा। ये हमारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं। इसका मतलब होता है सदस्यों का कलेक्शन, यानी ये टीम होती है, और यहाँ मीट मतलब मांस होता है, ये मेट मतलब होता है मिलना, और इस मतलब वंश होता है। तो इस तरीके से आप वर्डों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अर्थ नहीं भी आता तब भी आप आंसर को लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे, केवल वर्ड बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहा गया है शब्द EPRY शब्दों का सार्थक क्रम बनाने के बाद कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम इनका सार्थक क्रम बनाएंगे शब्दों का, तो आप यहाँ पे देखें तो आपके पास प्रे वर्ड जैसा एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, और प्रे वर्ड का मतलब होता है शिकार करना, और ये आपका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप स्वर को ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक स्वर आया हुआ, इसका मतलब एक वर्ड तो बनना ही बनना था, और वो वर्ड हमारा ये बन जाएगा। हम आंसर को टिक कर देते हैं, वहां पे आंसर आपका दिया होगा कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वहां पे विकल्प आपका ए बी सी डी के रूप में दिया होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में दिया होगा। इसमें जो भी आंसर आपको टिक करना होगा, तो यहाँ पे एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ए आप टिक कर देंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में कहा जाता है एक शब्द का पेयर दे दिया जाएगा, और उसमें कहेगा कितने ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम अलग करते हैं तो सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ वो शब्द है जिसका अर्थ बना हो। जैसे क्वेश्चन को देखेंगे आप, कहा गया है शब्द गुड बाय, ये वर्ड दिया हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी कॉमन वर्ड ले लेता है जिसका हम यूज अपने जीवन में करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमसे कहा गया है शब्द गुड बाय में कितने ऐसे शब्द हैं अगर उनको स्वतंत्र रूप से लिखा जाए या उनको अगर अलग किया जाए तो उनका अर्थ बना रहेगा, जबकि स्थान परिवर्तित नहीं होना चाहिए शब्दों का। तो स्थान परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अब तक हम लोग एक दूसरे को इंटरचेंज करके बना रहे थे, बट यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे कि वो को पहले कर लें, जी को बाद में कर लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो आपका बन जाएगा गुड और प्लस आपका बन जाएगा बाय, ये आपके दो शब्द बनेंगे, और इसको आप इजिली आंसर दे सकते हैं। यानी इसमें आपके दो सार्थक शब्दों का समूह है जिससे मिलकर आपका अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, और अलग करेंगे तब भी ये अर्थपूर्ण शब्द बना ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप कुछ प्रश्न आपके पास ऐसे दिए होंगे जिसमें क्या होगा कि कुछ अक्षरों का समूह आपका दिया होगा, और उसमें विकल्प में देता है कि कौन से दिए गए विकल्पों में से अक्षर को यानी वर्ड को हम आगे लगा दें जिससे वो क्या हो सार्थक, उनके अर्थ निकलने लगे, या बाद में लगा दें, या बीच में जो भी प्रश्न दिया हो उसको फॉलो करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे, इसमें क्वेश्चन हमारे पास देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा गया है ANDFISH,
फिर दूसरा दिया हुआ है आपका ALL. फिर दिया हुआ आपका EAR. फिर दिया हुआ आपका AIER. इस तरीके से अक्षरों का बंच होगा, पेयर होगा, और फिर कहा गया होगा आपके पास ABC और D विकल्पों में किस अक्षर का यानी अल्फाबेट का हम चयन करें कि दिए गए शब्द के पहले लगने से सभी का सार्थक शब्द बन जाए. तो इसमें हमारे पास विकल्पों में दिया गया H है, M है, और आपका C दिया होगा और L दिया होगा. अब अगर हम देखें तो H वर्ड को अगर उठा के यहाँ देखें तो हैंड शब्द बन जाएगा, हॉल बन जाएगा, आपका हियर बन जाएगा, और यहाँ पे आपका हेयर बन जाएगा. इन सभी का छोटी छोटी मीनिंग्स हैं, आप अगर देखेंगे डिक्शनरी में इनका अपने आप में एक सार्थक अर्थ होता है. तो आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा. इस तरीके से आप क्वेश्चन देता है तो कर सकते हैं. इस कड़ी का अंतिम क्वेश्चन आपका कोडिंग से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग देखते हैं. उसमें आपका पहले से ही अक्षर नोट होंगे, उसके नीचे उनका नंबरों के रूप में कोडिंग दी जाती है. फिर कहता है दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्थक शब्द बनेगा. तो क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसको फॉलो करेंगे. अभी हम लोग दिया गया आपका GTEENM. अब इसको नीचे कोडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में दे दिया गया है. तो इसमें आपको वर्ड्स बनाना होता है कि दिए गए अक्षरों के समूह से कौन सा ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है. तो इसमें जनरली आपका पॉकेट है, पुलिसमैन है, या फिर मैग्नेट है, या ब्यूटी है, इस तरीके के वर्ड्स हमारे बन जाते हैं. अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और इसको फॉलो करेंगे. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. इसमें दिया गया आपका 1, 3, 2, 6, 4, 5. बी ऑप्शन पे दिया गया आपका 6, 3, 5, 1, 4, 2 एंड सी ऑप्शन पे दिया गया है 1, 3, 2, 5, 4, 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 6, 3, 1, 5, 4, 2. इस तरीके के क्वेश्चनों के बंच आपके पास होंगे, आप उसको कहीं से भी प्रैक्टिस करें. देखिए जैसे पहला वर्ड आपका वन दिया तो वन के जगह पे जी है तो हम इसको जी को नोट करते हैं. फिर आपका दिया गया 3 दिया हुआ यानी 3 दिया हुआ, इसके जगह पे ए दिया तो ए को उतारते हैं. फिर 2 दिया हुआ तो टी को उतारते हैं. फिर इसके बाद 6 पे आपका एम दिया हुआ, एम उतारते हैं. 4 पे ई दिया है, ई को उतारते हैं. और फिर इसके बाद 5 दिया हुआ है, 5 पे एन दिया हुआ है. तो ये वर्ड देखें आप, गेट मैन बन रहा है आपका, बट इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, इसलिए ये वर्ड आपका गलत होगा. यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपका नॉलेज होना चाहिए और स्पेलिंग आनी चाहिए. तो यहाँ पे ये आपका वर्ड गेट मैन ये होता है जो कि गलत है, एक आपका शब्द पूर्ण अर्थ नहीं बनेगा. तो हम लोग पहले विकल्प को टेली किया, आंसर सही नहीं होता है. तो जनरली हम फोर्थ विकल्प पे अप्लाई कर देते हैं, आंसर सही हो जाता है. फोर्थ पे हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं. यहाँ पे 6 के वर्ड पे दिया हुआ है एम, और फिर इसके बाद दिया हुआ 3 पे आपका ए दिया है, और फिर 1 पे दिया हुआ है आपका जी दिया हुआ है, 5 पे दिया हुआ है एन, और 4 पे दिया हुआ है आपका ई, और इसके बाद 2 पे दिया हुआ है आपका टी. यहाँ पे देखिए मैग्नेट वर्ड है जो एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है चुंबक. यहाँ पे एक अर्थपूर्ण शब्द आपका बन जाता है. आप इसमें वर्डों को रख के चेक कर लेंगे, जिसका सार्थक शब्द मिल जाता है वो आपका आंसर हो जाता है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे टाइप के प्रश्न आपको इस चैप्टर से समझ में आया होगा. आप इस चैप्टर से लगाएं, जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट्स के माध्यम से पूछें. कोई भी नोटबुक आप अपना अप्लाई करें और उसको लें. चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें. जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है तब तक हमारी स्टडी ऐसी ऑफलाइन होम टू होम चलती रहेगी. थैंक्स.